क्या ऐसा कोई फुल प्रूफ तरीका है जिससे डीजे रिमिक्सेस चैनल मोनेटाइज हो जाए? क्या हम कोई भी म्यूजिक की लिरिक्स को अपलोड करें और पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक हटा दे तो वीडियो मोनेटाइज होगी? या फिर हम वाइस वर्सा करें, हम बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज करें और लिरिक्स को ना यूज करें तब भी जाकर हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा मैं आज के वीडियो में। जब भी आप कोई भी सॉन्ग की रिमिक्स करते हो तो कॉपीराइट टर्म्स में उसे कहते हैं डेरिवेटिव वर्क। जनरली आपको उन ओरिजिनल कॉपीराइट ओनर से या फिर पब्लिशर से परमिशन लेनी होगी जब भी आप कोई भी डेरिवेटिव वर्क को अपलोड कर रहे हो अपने चैनल पर। अगर आप परमिशन नहीं लेते हो तो डेफिनेटली या तो आपकी वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम आएगा या तो आपकी वीडियो टेक डाउन हो जाएगी। डीजे रिमिक्स चैनल के मोनेटाइज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अनलेस एंड अनटिल आपने जो सॉन्ग्स यूज किए हैं वो कॉपीराइट क्लेम फ्री हो, या फिर आपने जो सॉन्ग्स यूज किए हैं वो यूट्यूब की लाइब्रेरी से हो, या फिर आपने जिन सॉन्ग्स की रिमिक्स की है उनके जो ओरिजिनल ओनर है, जो कॉपीराइट ओनर है, उनसे आपने परमिशन ली है। कई सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि रिमिक्स तो मैंने बनाया है तो ये ओरिजिनली मेरा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन गानों की रिमिक्स आपने बनाई है वो ओरिजिनली किसी और की है और इसी वजह से आपका चैनल अप्रूव होने में चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डीजे रिमिक्स चैनल पर अगर 99% वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम होगा तो यूट्यूब का एम्प्लॉय डेफिनेटली इन चीजों को नोटिस करेगा और इसी वजह से कई सारे चैनल्स एडिशनल रिव्यू में चले जाते हैं। कई सारे चैनल्स तो 6-6 महीने से रिव्यू में पड़े हुए हैं क्योंकि इसका कोई डिसीजन ही नहीं आता कि ये कंटेंट आपका ओरिजिनल है या कहीं से लिया हुआ है। एक और क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं वो है कि अगर हम ओरिजिनल गाने की खाली लिरिक्स यूज करें और उसका बैकग्राउंड म्यूजिक ना यूज करें तो क्या हमें कॉपीराइट क्लेम आएगा, या फिर वाइस वर्सा हम सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करें और लिरिक्स यूज ना करें? तो इसका कोई 100% फुल प्रूफ मेथड नहीं है कि आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। कंटेंट आईडी को अपने चैनल के लिए किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, क्या वो प्रोसेस है जिससे आपको कंटेंट आईडी मिल जाएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हो और इन डिटेल समझ सकते हो कंटेंट आईडी को कैसे क्रिएट करते हैं।